गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ हम अपना लेक्चर नंबर 4 कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने बताया था एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एसआई यूनिट, लेंथ, मास और टाइम के लिए हम क्या क्या यूनिट्स लेंगे। हम समझते हैं लेंथ के लिए हमारे पास जो यूनिट होगा एमकेएस सिस्टम में, हम लेते हैं मीटर। ठीक है, इसको सिंबल हम एम यूज करते हैं, स्मॉल एम। मास के लिए हम लेते हैं किलोग्राम, सिंबल इज केजी। टाइम के लिए हम लेते हैं सेकेंड और सिंबल हमारे पास हम एस यूज करते हैं। सीजीएस सिस्टम में हमारे पास क्या लेंथ के लिए यूनिट होता है सेंटीमीटर, एंड हम यूनिट यूज करते हैं इसका सीएम, इस तरीके से सिंबल। मास के लिए होता है हमारे पास ग्राम और हम स्मॉल ऐसे जी यूज करते हैं। टाइम हमारे पास अगेन सेकेंड होता है। ठीक है, और ऐसा यूनिट क्या होता है, ये हमारे पास रैशनलाइज एमकेएस सिस्टम होता है। तो एमकेएस में जो यूनिट्स है वही हम यूज करते हैं, बट इट इज नोन एज रैशनलाइज एमकेएस, इट इज नोन एज रैशनलाइज एमकेएस सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है ये, तो हम यही यूज करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, देखो हमें ये क्यों जानना है, क्योंकि कई जगह हम लिखते हैं, जैसे स्पीड का यूनिट हम लिखते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, बॉडी का मास दिया हुआ है 50 kg। अब 50 kg इज बॉडी विथ, बॉडी इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड, ऐसा दिया हो सकता है। दूसरा दिया हो सकता है हमारे पास 30 ग्राम ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ, किससे मूव कर रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड, ऐसा दिया होता है क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में, कहीं पे भी। तो हमें क्या करना होता है, यूनिट्स जो लेंथ का, मास का, टाइम का, ये जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स सारे यूनिट्स या तो एमकेएस सिस्टम के होने चाहिए, मीटर किलोग्राम सेकेंड, या सारे यूनिट्स होने चाहिए सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, या फिर एसआई यूनिट में होने चाहिए। एसआई यूनिट में हम एमकेएस सिस्टम को ही फॉलो करते हैं। अगर यहां पे मीटर पर सेकंड है तो यहां पे किलोग्राम है, ठीक है, किलोग्राम भी यहां पे है, मीटर पर सेकंड भी यहां पे, तो इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे 30 ग्राम है, ग्राम यहां का यूनिट है, लेकिन मीटर पर सेकंड तो हमारे पास मीटर ही रहा, सेकंड ही रहा नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इस 30 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या मीटर पर सेकंड को सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दोनों में से कोई एक कन्वर्जन हमें करना पड़ेगा। तो जब भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, आगे यूनिट्स रखेंगे, हम ये ध्यान रखेंगे, विल कीप इन आवर माइंड दैट द यूनिट्स विच वी हैव टू यूज, वो यूनिट क्या होने चाहिए, एक ही सिस्टम के होने चाहिए, या तो वो एमकेएस सिस्टम के यूनिट्स हो, या सीजीएस के हो, या एसआई सिस्टम के हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक उसमें इसका यूनिट दिया हुआ है, एक फिजिकल क्वांटिटी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, दूसरा किलोग्राम में दिया हुआ है, तीसरा किसी और में दिया हुआ है, तो उससे सोल्यूशन नहीं निकलता है क्वेश्चन का, वो जो सोल्यूशन हम फाइंड करते हैं वो रॉन्ग होता है। तो हमें क्या करना है, हमें ये बात समझनी है। आई थिंक ये बात क्लियर है सबको। अभी मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था दो वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के बीच में डिफरेंस हमने पढ़ा था, तो अब हम समझेंगे कि जैसे डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है। लास्ट क्लास मैंने बताया था कि डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम इन दोनों का डिफरेंस समझेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, और फिर हम आगे सिलेबस अपना पढ़ेंगे। तो लेट्स अब हम जल्दी से समझते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। आई मैंने बताया था एक वेक्टर होता है, एक स्केलर होता है। तो मैं लिख रहा हूं एक तरफ डिस्टेंस और एक तरफ डिस्प्लेसमेंट। एक तरफ मैंने डिस्टेंस लिखा, एक तरफ मैंने डिस्प्लेसमेंट लिखा, ठीक है। तो हम समझते हैं, पहला पॉइंट लिखते हैं, इट इज द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो ये क्या है, इट इज द एक्चुअल पाथ
ऑब्जेक्ट बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट, या बिटवीन टू गिवन पॉइंट, बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। इसमें हम क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। Final, shortest path between initial and final point. It is the actual path covered by an object between the initial and the final point. दूसरा क्या है हमारे पास? ये एक scalar quantity है. It is a scalar quantity. ये क्या है? It is a vector quantity. ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दोनों का यूनिट सेम है, यूनिट दोनों का क्या होता है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, यहां भी इसका भी यूनिट मीटर है, इसका भी यूनिट मीटर, मीटर पर सेकंड नहीं, अब इसमें हम समझेंगे, इट कैन नेवर बी जीरो, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, it can never be negative. तो ये क्या हो सकता है, it can be zero or positive. ठीक है, इसमें क्या है, it can be पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ऐसा क्यों हम समझेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव और इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है, लेट्स से, ठीक है, ये तो बात सही है, तीन पॉइंट्स हमने डिस्कस करे, लेट्स से फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे पास, fourth point is distance between two given points may be same or different, distance between two given points may be same or different for different path choosing, different path choosing, ये हम समझेंगे क्या है, यहां पे हमारे पास क्या है, displacement between two given point is always the same, displacement displacement between two given points is always same, ठीक है। अब हम जल्दी से इन पॉइंट्स को समझते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्या लिखा है हमने। ये क्या है, इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। अगर एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां चल के यहां तक जाता है,
लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है वो यहां से चल के यहां तक जाता है, तो कैसे जा सकता है? सीधा ऐसे जा सकता है, यहां से चल के यहां तक जाता है। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, तो वी हैव टू पॉइंट्स। यहां से चल के ऐसे जा सकता है, सीधा जा सकता है, यहां से चल के ऐसे जा सकता है, दिस कैन बी द पाथ। यहां से चल के ऐसे जा सकता है, दिस कैन बी द पाथ। तो डेफिनेटली ये शॉर्टेस्ट पाथ है बिटवीन टू गिवन पॉइंट, स्ट्रेट लाइन पाथ। लेकिन ये जो पाथ है ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है, तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या है? ये भी डिस्टेंस ट्रेवल है, ये भी डिस्टेंस ट्रेवल, ये भी डिस्टेंस ट्रेवल। तो ये क्या है? इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। अगर ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो एक्चुअल पाथ कोई भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। आई थिंक ये बात क्लियर है। तो ये कैसा क्वांटिटी है? ये स्केलर क्वांटिटी है। अब ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। अगर इनिशियल पॉइंट ये है ए पॉइंट और फाइनल पॉइंट ये है, तो दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो एक ही हो सकता है, दैट इज द परपेंडिकुलर लाइन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में परपेंडिकुलर, और कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता है। एंड परपेंडिकुलर लाइन बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स इज द शॉर्टेस्ट पाथ, हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसका डायरेक्शन फिक्स है, इसका डायरेक्शन और कोई नहीं हो सकता, एक ही सिंगल डायरेक्शन है। अब क्या है हमारे पास? इट कैन नेवर बी नेगेटिव। जो डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव नहीं होता। जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है ना, वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कैसे हो सकता है? नेगेटिव मींस उसका डायरेक्शन हम ऑपोजिट कर दें, उसका डायरेक्शन हम ऑपोजिट कर दें तो वो नेगेटिव हो जाता है। पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैसे जीरो हो सकता है हम समझेंगे। अगर कोई बॉडी यहां से यहां गया, फिर यहां से दोबारा वापस इसी पॉइंट पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, एक तो केस ये है। और क्या केस है? अगर एक सर्कुलर पाथ में एक ऑब्जेक्ट ऐसे चलता है जिस पॉइंट से वो स्टार्ट हुआ, लेट्स से ये ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हुआ था ए पॉइंट से, स्टार्ट होके दोबारा उसी पॉइंट पे आ गया, तो अगेन जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है। अगर वो कोई भी बॉडी अपने पोजीशन जिस पॉइंट से वो स्टार्ट हुआ चल के उसी पॉइंट पे वापस आ जाए, तो द डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो हो ही सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन यहां पर डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव और जीरो हो सकता है। ये बात हमने समझ ली। आगे क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स मे बी सेम और डिफरेंट फॉर डिफरेंट पाथ चूजिंग। दोनों पॉइंट्स हमने सेम चूज किए हैं, अब सेम पाथ के लिए क्या है, सेम पॉइंट्स के लिए क्या है, जो पाथ है वो डिफरेंट हो सकता है, पहला ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है, तीसरा हो सकता है, और भी कोई भी पाथ हो सकता है, एनी पाथ। तो डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स मे बी सेम और डिफरेंट फॉर डिफरेंट चूजिंग पाथ। अगर डिफरेंट हमने पाथ लिया तो डेफिनेटली डिस्टेंस डिफरेंट हो जाएगा, इसका डिफरेंस कुछ होगा, डिस्टेंस कुछ होगा, इसका कुछ होगा, इसका कुछ होगा। लेकिन यहां पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू गिवन पॉइंट इज ऑलवेज द सेम। दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा ही सेम रहेगा। आई थिंक ये बात क्लियर है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। होमवर्क के लिए आपका पेज नंबर 100 पे, आप देखिए पेज नंबर 100, ठीक है, बुक में मोशन चैप्टर में पेज नंबर 100 में वी हैव थ्री क्वेश्चंस गिवन। आप ये होमवर्क में अपने कर सकते हैं, ठीक है, आपको ये होमवर्क में करना है। क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन आर गिवन, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है, पूछा हुआ है कि क्या क्या होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।